शीतल शर्मा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री पद का संभालने के बाद जगत प्रकाश नड्डा पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा 6 जुलाई को जम्मू में होने वाली बीजेपी की विस्तारक कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बताया कि बैठक में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी, जिनका जम्मू में भव्य स्वागत भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने जम्मू आ रहे हैं। श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब 6 जुलाई को स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की जन्म जयंती के उस अवसर पर जम्मू आ रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र हित में अपना सर्वस्व बलिदान दिया था और लगातार तीसरी बार मोदी सरकार मरकज में हुकूमत बनाने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जम्मू में जोरदार भव्य स्वागत होगा और आने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए एक शंखनाद होगा, जिसका ऐलान स्वयं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता दिल से अपने नेशनल प्रेसिडेंट जनाब जेपी नड्डा साहब के वेलकम का इंतज़ार कर रहा है। एक शानदार एक भव्य स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा साहब का 6 जुलाई 2024। आगे बढ़ेंगे। पिछले महीने रशिया में हुई ब्रिक्स खेलों में वुशु में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले जम्मू के सूर्य भानु प्रताप सिंह को आज भाजपा की प्रदेश इकाई ने सम्मानित किया है। बीजेपी के जम्मू कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने सूर्य भानु की पीठ थपथपाई है। रविंद्र रैना ने कहा कि सूर्य भानु ने कई देशों में भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने के साथ साथ तिरंगा झंडा भी बुलंद किया है, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। हमारे सुरेंद्र सिंह गिल्ली साहब और अजय भारत वुशु के खिलाड़ी सूर्य भानु प्रताप सिंह जी ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया है। यूरोपियन कंट्रीज हो, दुबई हो, हांगकांग हो, सिंगापुर हो, या फिर अभी हाल ही में ब्रिक्स गेम्स के अंदर या ब्रिक्स देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। वुशु प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल जीतकर जम्मू के होनहार सपूत सूर्य भानु प्रताप सिंह साहब ने देश का तिरंगा झंडा बुलंद किया है। पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा भारत सूर्य भानु प्रताप सिंह को बधाई देता है और इनको शुभकामनाएं हम देते हैं और माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार सूर्य भानु प्रताप सिंह साहब देश का झंडा बुलंद करते रहें। हमें अपने इस नौजवान पर मान है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर देश का और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सोमवार को सदन में दिए गए बयान का विरोध चरम पर पहुंच गया है। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने राहुल गांधी के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उनसे हिंदू समुदाय से माफी मांगने की मांग की है। देखिए, 2-3 दिन पहले सदन के अंदर राहुल गांधी के वक्तव्य में राहुल गांधी के माध्यम से 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रहार किया गया, हिंदुओं को हिंसक बताया गया, हिंदुओं को नाटकबाज, हिंदुओं को धोखेबाज, इस प्रकार की संज्ञा हिंदू समाज को दी गई, जबकि हिंदू समाज के अंदर हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं दिया गया, ना ही हिंदू समाज ने कभी हिंसा को मूल सिद्धांत बनाया, हमेशा हिंसा का विरोध किया हिंदू समाज ने। और ये राहुल गांधी हिंदुओं को जो है हिंसक बता रहे हैं, 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान हिंदू कभी सहन नहीं करेगा। आज साधु संत समाज सड़कों के ऊपर है, आज
साधु संत समाज जो है प्रदर्शन कर रहा है। आज लोग सड़कों के ऊपर हैं और मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब वही आपातकाल के दौरान कांग्रेस द्वारा उड़ाई गई संविधान की धज्जियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बीजेपी एक अभियान शुरू करने जा रही है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता चंद्रमोहन शर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत बीजेपी देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस द्वारा संविधान को ताक पर रखकर लोगों पर अत्याचार किया था। केंद्र स्तर पर आपातकाल में जो अत्याचार हुए, जो भारतीय संविधान की अवहेलना हुई, जो लोकतंत्र पर प्रहार हुआ, उसको देखते हुए पूरे देश में एक कंपेन चलाने का प्रोग्राम बनाया है कि लोगों को पता लगे कि कांग्रेस जो अपने आप को संविधान और लोकतंत्र का वफादार बना रही है, बता रही है, उन्होंने क्या क्या करतूतें की हैं और संविधान को किस तरह तोड़ा मोड़ा है। जम्मू कश्मीर समिति बनाई गई, मुझे उसका संयोजक रखा गया। ये चाड़ा साहब सह संयोजक हैं और ये हमारे मुख्य सलाहकार है प्रोफेसर मल्होत्रा साहब। तो ये समिति जो है, हमने यहाँ फैसला किया है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला की सरकार, शेख अब्दुल्ला का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो यहाँ कांग्रेस का विंग थी। यहाँ कांग्रेस 69 में आई, उससे पहले एनसी को ही कांग्रेस का विंग समझा जाता था। तो उन्होंने एम्बरेसी में यहाँ पे क्या क्या अत्याचार किए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि देश भर की बात तो आती है। जम्मू कश्मीर में लगभग 2500 लोगों को जेलों के अंदर, मीसा के अंदर डाला गया, टॉर्चर किया गया, इंटरनेशनल सेंटर रखा गया, मुझे इंटरनेशनल सेंटर रखा गया और मेरे बहुत से साथियों को रखा गया। तो किस तरीके से यहाँ अत्याचार हुआ और उस वक्त यहाँ ना वकील, ना दलील, ना अपील, कुछ नहीं चलता था, पुलिस राज था। तो उसके बारे में हमने विस्तार से यहाँ बात की थी। अब ये हम सारी कंपेन जो है कांग्रेस के जो मिथ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको एक्सपोज करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए हमने इंटेंसिव कंपेन करनी। आगे बढ़ेंगे। श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर देश के कोने कोने से आने वाले साधु संतों ने उनके लिए किए गए इंतजामों के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया है। साधु संतों के मुताबिक जम्मू कश्मीर सरकार ने उनकी यात्रा को सुगम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस साल पहले के मुकाबले यात्रा के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं में और बेहतरी हुई है। मैं यूपी से आया हूँ और मैं हर साल आता हूँ। इस बार और भी मतलब व्यवस्था, मतलब जितना मतलब पहले ये था कि खच्चर वाले और पब्लिक एक साथ चलते थे, ये सब सिस्टम अलग हो गया है। जगह जगह पे मिल रहे हैं, अपना लंगर पानी खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर साथ में चल रहे हैं। और दूसरी बात ये, प्रशासन हर जगह लगी हुई है और साधुओं लोग का मतलब पूरा व्यवस्था, पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पूरी मतलब व्यवस्था, पूरी मतलब फोकस किए हुए हैं प्रशासन, यहाँ जम्मू सरकार की भी सरकार, और मतलब जितने भी हैं अपना भगत जगत, वो आके बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। पहले हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी घोड़े वालों से, जो सच है, और इस बार घोड़े वालों से उतनी प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है। वरना चलना भी मुश्किल होता था रास्तों में, आपके रास्ते डाइवर्टेड हैं। जैसे पीछू टॉप पे जो पुराना रास्ता था वो घोड़ों के लिए कर दिया, नया रास्ता हम लोगों के वॉकिंग के लिए कर दिया, चलने के लिए कर दिया। बहुत अच्छे इंतजाम आते हैं, रास्ते भर हम लोगों को कोई दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, जगह जगह हर कोई मिल रहा है जो हेल्प कर रहा है। ये यात्रा बड़ी मंगलमय हो रही है, सब भक्त बड़े प्रेम से यात्रा कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड ने बहुत बढ़िया जो इंतजाम किया है, जो पहले हम आते थे तो रास्ता बहुत टाइट था, उसी में घोड़े चलते थे, उसी में जातरू चलते थे, लेकिन अब इन्होंने बहुत घोड़ों वाला अलग कर दिया है, जातरू का अलग कर दिया। अगले साल तक ये और इसमें ज़्यादा तरक्की करेंगे श्राइन बोर्ड। हम तो सोच रहे हैं जैसे वैष्णो माता का कर रहे हैं वैसे ही वो ऐसा पूरा बना देंगे। जो सेवा कर रहे हैं उनको भोले बाबा सेवा करने की शक्ति दे और उनकी लंबी लंबी उम्र दे, बस यही हम भोले बाबा से फरियाद करेंगे। प्रशासन का बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इंतजाम है, यात्रियों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ के प्रशासन का और यहाँ के लंगर वालों का, कि जो इतनी हाइट पे भी इतना अच्छा यात्रियों को खाना देते हैं। वो सब थैंक्स फॉर लंगर वाले और थैंक्स फॉर प्रशासन, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा धार्मिक हर्षोल्लास के साथ जारी है। यात्रा के लिए देश भर से पहुंच रहे शिव भक्तों में भारी उत्साह दिख रहा है और रोजाना हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से 5,725 भक्तों का छठा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच 261 गाड़ियों में कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। यात्रियों का मौसम भी साथ दे रहा है।
हालांकि जम्मू में पिछले कुछ दिनों से तड़के बारिश के बाद दिन में मौसम खुलने से गर्मी के साथ उमस परेशान कर रही है, लेकिन यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। जम्मू में तत्काल पंजीकरण के लिए रेलवे स्टेशन के पास सरस्वती धाम पर टोकन पाने के लिए श्रद्धालु पहुंच गए हैं। श्रद्धालुओं की आस्था का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लंबी कतारों में खड़े रहने के बाद भी श्रद्धालुओं के चेहरे पर थकान नहीं दिख रही थी। बम बम भोले और जय शिव शंकर के जय घोषों के साथ मंदिर के शहर जम्मू में पूरा माहौल शिवमय बना हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, पूरा सिस्टम से यात्रा को निकाल रहे हैं और ये संदेश दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और भोले बाबा जी के दर्शन करें। मैं यही दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दुनिया यहाँ पर आए, लोग भोले बाबा के दरबार में जाएं, माथा टेकें, सुख शांति पूरे देश के लिए मांगे, अपने परिवार के लिए मांगे। 9 साल हो गए, हाथ इतना है बस बयान नहीं करा जा सकता इसका, और इस यात्रा को लेकर सभी यात्री इतने रोमांचित हैं जिसका कुछ भी वर्णन कर पाना मुश्किल है। सुरक्षा व्यवस्था के वजह से ही आज ये यात्रा संपन्न हो पाती है, वरना शायद हम लोगों के नसीब में ये यात्रा ना हो। यहाँ की आदमी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, जिसका जितना भी वर्णन किया जाए वो कम है। हम तो यही कहते हैं कि सेना के वजह से जो आज हम लोगों को सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मिलती है, हमें सेना का सम्मान करना चाहिए और इसी तरह का हम लोग सब लोग भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक साथ हर साल यात्रा पे आते जाते रहे सब लोग। हमें अमरनाथ यात्रा का इस बार 7वां साल है, यात्रा एकदम बेस्ट तरीके से होती है और आर्मी प्रोटेक्शन इतना अच्छा मिलता है कि किसी बात का खतरा नहीं होता और आप सभी का प्यार हमें एक नई उम्मीद दिखाता कि हम हर साल यहाँ पर आए। बोल शंकर भगवान की। तो इधर सुरनकोट में फजलाबाद से लेकर गांव चराना तक इरीगेशन चैनल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। किसानों के प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी इस इरीगेशन चैनल की मरम्मत नहीं की गई है। आलम यह है कि वो अपने खेतों के पानी से नहीं सींच पा रहे हैं और फसल न होने से वो फाकाकशी का शिकार हो रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की, हर डिपार्टमेंट के पास हम गए, इरीगेशन के पास हम जाते रहे तो वो कहते हैं ना आप आराम करते हो ना हमें आराम करने देते हो, तो हम किसके पास जाएं। मेरी डीसी साहब से यह गुजारिश है कि आप किसी कमीशन को या आप खुद तकलीफ फरमाएं और यहाँ हमारा मौका देखें, हमारी जमीनों की क्या हालत है। सभी जमीनें हमारी बंजर पड़ी हैं, बरसात के पानी पे हमने कुछ धान लगाए हैं लेकिन वो भी ना होने के बराबर है, इस वक्त वो जो धान हमारे सूखे हुए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ डीसी साहब से कि किसी कमीशन को यहाँ तैनात किया जाए या खुद जनाब तशरीफ लाएं और यहाँ देखेंगे हमारी क्या खस्ता हालत है। हमारा दारो मदार इसी जमीन पे था और हमारी जमीन में हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी कुल भाल की जाए और हमें पानी दिया जाए ताकि हमारी ये जमीन जो है हम इसको उगा सकें और अपना फसल जो हासिल करके जमीन से हम अपना वक्त बसर करें। मुझे समझ नहीं आती है कि सरकार एक तरफ से कहती है कि हम जमीनी सतह पर लोगों को सहूलियत में ये सरकार है, लेकिन बेसिकली हमारा जो अनाज का जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है हमारे यहाँ उसको नुकसान पहुंच रहा है और लोग दफ्तरों में मस्त बैठे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें और हकामे बाला जो है वो भी इस तरफ से जो नहीं दे रहे। मेरी गुजारिश है इंतजामिया से कि फौरी तौर पर इस बारे में कोई ध्यान दिया जाए और मतलब हकाम को की खिंचाई की जाए और उनको मौका पर भेजा जाए, देखा जाए। इस वक्त भी ये घर बार जमीनें पड़ी है और बहुत सारे लोग ने हमने आके कोई देखे, हमने पानी न होने की वजह से आज 5-6 साल से मक्की की बिजाई का काम शुरू किया है लेकिन वो भी न होने के बराबर है। इसलिए मेरी फिर गुजारिश है इंतजामिया से कि वो फौरी तौर पर इस बारे में कोई कदम उठा। जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी ने जहां कश्मीर संभाग के लिए अपने 15 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं जम्मू की 5 विधानसभा सीटों पर भी अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के राज्य प्रधान रकीब उल रशीद ने इन 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि अन्य उम्मीदवारों के नाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे और उनकी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, हम तो ये भी पार्टी को चाहे पीर पर प्रेजिडेंट अशोक काशू साहब ये भद्रवाह से इलेक्शन लड़ेंगे, डॉक्टर सुहेल गनाई ये विल ये नगरोटा से इलेक्शन लड़ेंगे, इशफाक अहमद थाना मंडी रजौरी से और इंजीनियर भविष्य कोल है ये दुमाना से। ये 5 कैंडिडेट्स हमने अनाउंस किए यहाँ से। ऑलरेडी हमने कश्मीर डिवीजन से 15 कैंडिडेट्स अनाउंस किए हैं तो अभी तक टोटल हमारा 20 हो गया और विद इन आई थिंक स्पैम ऑफ 20 to 25 डेज और 25 कैंडिडेट्स का हम नाम अनाउंस करने वाले हैं।
और दो साल के अंदर कोई नई पार्टी ये बोले कि हम 90 के 90 सीट्स पे लड़ने वाले, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो आगे भी हम तैयारी कर रहे हैं, इलेक्शन आज हो जाए या कल हो जाए, या मैं ये मानूं कि बीजेपी नचा रही है हम लोगों को, कभी कह रही है कि यहाँ पर हालात ठीक है, कभी कह रही है कि इलेक्शन के लिए हालात मुनासिब नहीं है, कभी सुप्रीम कोर्ट कहता है सितंबर तक इलेक्शन करो, कभी कहते हैं कि नहीं अभी नहीं हो पाए। पार्टी को चाहे पीर पंजाल रेंज। बढ़ते आगे, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाए हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथन जायसवाल ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अग्निवीर योजना की भी कड़ी निंदा और साथ ही साथ मजदूरों के हक की लड़ाई को भी जारी रखने की बात कही है। अग्निवीर योजना लाकर जिस तरह से सेना को कमजोर किया गया, आप सियाचिन के बॉर्डर पर चाहे किसी बॉर्डरों पर 6 महीना ट्रेनिंग के बाद आप कहो कि जाकर वो सेना की रक्षा करे तो शहादत का उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। और जब हमारे नेता राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर ने आवाज उठाया तो जिस तरह से राजनाथ सिंह खड़ा होकर बोले, सब प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिए, 3 बार प्रधानमंत्री खड़ा होते हैं और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री गृह मंत्री तमाम मंत्रिमंडल खड़ा होकर बौखलाहट आ गया कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती। इस संविधान को लेकर हम आगे बढ़े हैं और हमारे संविधान बाबा साहब का संविधान है, हम मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए ऐसे ऐसे हीरा चुन कर रखे हैं कि देश के हर लोकतांत्रिक संविधान को बचाने के लिए पहले मजदूर को हम मजबूत करेंगे और श्रम में हो जाते श्रमिक हमारे देश का नवनिर्माण करने का एक आधारशिला है। चला आगे बढ़ेंगे, श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव कठुआ में भी धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य चरणजीत सिंह ने बताया कि यह प्रकाशोत्सव 5 जुलाई को कठुआ स्थित गुरुद्वारा साहिब में मनाया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए बाहरी राज्यों के रागी जत्थे विशेष तौर पर कठुआ पहुंच रहे हैं। 5 तारीख को मेरे पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाशोत्सव जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समूह इलाका निवासियों के सहयोग के नाल बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के नाल मना रहा है। सो इस प्रोग्राम के विच जिथे साढ़े कोल भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी हजूरी रागी दरबार साहब विशेष तौर पर पहुँच रहे हैं और इस दे नाल भाई साहब भाई ढाडी अमरीक सिंह जी जिहड़े कि रानीपुर तो ढाडी जथा वह भी साढ़े कोल विशेष तौर पर पहुँच रहा है। सो इस दे नाल सुखविंदर सिंह नौजवान सभा के जथा और डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भाई साहब बलजीत सिंह हुंदा जथा और साढ़े कोल गुरजट सिंह जी जिहड़े चन्न कमल साहब के जिहड़े प्रचारक हैं रागी हैं वह भी इत्थे आ रहे हैं। वे जम्मू स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर का इलाज करवा रहे मरीजों को महंगी से महंगी दवाएं निशुल्क दी जा रही हैं। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक कुमार के मुताबिक यहां भर्ती किए गए मरीजों को आयुष्मान भारत योजना के तहत दवाएं निशुल्क मिल रही हैं। इंस्टीट्यूट के स्टोर में किसी दवा के अनुपलब्ध होने पर कैंसर की दवाएं अमृत फार्मेसी या फिर जन औषधि केंद्र से लाकर दी जाती है। देखो, कैंसर इंस्टीट्यूट में हमारे जो इंस्टीट्यूट में आयुष्मान भारत की तरफ से जितने भी एलिजिबल पेशेंट्स हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर मेडिसिन अंडर पैकेजेस दी जा रही हैं और अब तो हमारे यहाँ पे कैंसर की मेडिसिन कॉरपोरेशन से भी आ गई हैं जो कि इंस्टीट्यूट की तरफ से इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई दे रही हैं। और एक बात मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने भी पेशेंट्स आए हैं हम उनकी रेगुलर फीडबैक लेते हैं, उनकी 100% सेटिस्फेक्शन है और यहाँ की फैसिलिटीज़ से यहाँ की जो दवाइयाँ उनको मिल रही हैं, यहाँ की सर्विसेज, यहाँ के स्टाफ की जो देख रेख है, उन सब से वो मतलब एकदम पूर्णता रूप से सेटिस्फाइड है। स्टोर में हमारे हमारा जो स्टोर का है उसमें इस समय हमारे 17 मॉलिक्यूल्स कैंसर के रिलेटेड और एमरजेंसी मेडिसिन के रिलेटेड अवेलेबल हैं और जो मेडिसिन हमें स्टोर से नहीं मिलती वो हम फार्मेसी और जन औषधि के से लेके मरीजों को उपलब्ध करवाते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, बड़ ब्लॉक के घो मनहासा के वार्ड नंबर 4 में बिजली की सप्लाई अक्सर बाधित रहने से गर्मी और उमस भरे इस मौसम में लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया और वार्ड में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर को जल्द बदलने की मांग की है। लोगों के मुताबिक बिजली बंद रहने से पानी की सप्लाई भी बाधित हो रही है जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।
आज काफी दिनों से इधर लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, इधर लाइट काफी परेशान हुए सभी बच्चे हैं छोटे छोटे, और पानी की प्रॉब्लम आ रही है सभी बच्चों को। हाँ लाइट भी हमें मिल जाए, बिल तो सभी प्रॉपर दे रहे हैं, हर महीने आते हैं बिल लेने के लिए सभी दे रहे हैं, तो फिर लाइट भी चाहिए ना फिर हमें प्रॉपर, तो ये देते हैं हमें, फिर यही प्रॉब्लम है। तो हमें ये है कि हमें ट्रांसफॉर्म लगना चाहिए, हमें लाइट होनी चाहिए हमारी। ये बोलना चाहते हैं कि हमारे वार्ड नंबर 4 में लाइट नहीं आती, और साथ में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे रह रहे हैं इनको कोई पता नहीं, ठीक है। और साथ में ये ठीक करने आते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह ठीक करने आते हैं, वो ही पुराना वाला सामान डाल के चले जाते हैं और न्यू वाला नहीं देते हैं। हमारे को न्यू वाला चाहिए, और क्योंकि हमारे घर की चीजें भी सारी जल गई हुई हैं, और फ्रिज भी ज्यादा तो बंदे को पानी की जरूरत होती है ना, तो पानी पीने की लायक भी नहीं है, हमारा पूरा फ्रिज ही जल गया हुआ है, तो हम क्या करें। सब कुछ देते हैं हम, बिल भी पे करते हैं, सब कुछ भी देते हैं, पर लाइट नहीं आ रही है, बस ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये ज्यादा प्रॉब्लम लाइट की, हमारे बच्चे बूढ़े बेचारे इतने परेशान है, लाइट तो आ ही नहीं रही है, अगर आती भी है तो इतनी कम आती है कि हम उससे फैन भी नहीं चला सकते। ये प्रॉब्लम है हमें ज्यादा, जल्द से जल्द, ये 3 साल की प्रॉब्लम है, 1 साल की नहीं है कि अभी, ये 3 साल से ये प्रॉब्लम चलती है। यहाँ कोई ना तो देखता है क्या इशू है, कोई नहीं आता। लाइट चाहिए जल्द से जल्द, हमें लाइट चाहिए, चाहे वो स्मार्ट मीटर लगाओ चाहे कुछ भी करो। जम्मू के सतवारी ब्लॉक के गाड़ीगढ़ में कछवा चाल से चल रहे पुल के निर्माण कार्य से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। इन लोगों का आरोप है कि पिछले 3 वर्षों से इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इस काम की कछवा चाल से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से जल्द ही इस पुल का निर्माण कार्य पूरा कर इस पर यातायात बहाल करने की मांग की है। सर जी सानू भी 3-4 साल हो गए, 3 साल तो साडा जिहड़ा पुल है ना, अज तक किसी सुभाषी ने किसी ने नहीं बनाया साडा पुल। असी बहुत दुखी हो गए, हर बार असी मिट्टी पाने वो मिट्टी हर बार रुड़ जाती है, और बहुत दुखी हो गया। बड़े असी रोड भी बंद किए, मगर सानू ना यकीन देंदे कि तुहाडा पुल जिहड़ा बन जाएगा। थोड़े समय बाद पुल दिखिया, फिर कोई काम नहीं लगता। इसलिए उन्होंने मटीरियल भी सटिया सर, मगर कुछ नहीं है, असी बहुत दुखी हाँ। इसलिए असी मोटरसाइकिल बाइकां बच्चों ने स्कूल छड़ना होंदा, नाल ही स्कूल है, और बहुत दुखी है सर, अभी तो बहुत दुखी हो गए। अगे बरसात आने वाली है सर, बरसात तो बहुत आ रही हैं, मगर मैं देख रहा कि जिस तरह कम करा रहे हैं, मुश्किल ये कम कराने का कम, क्योंकि ठेकेदार तो पूछने वो कहता मेरी ग्रांट पैसा ही नहीं है। 2-3 बार ठेकेदार भी मिले है, हूँ ठेकेदार ने मुँह ही छपाना दस दिखा ही नहीं कद, ठेकेदार भी इतने की अपील करना चाहते सर। अपील ये है कि असी तो अपने DC साहब ना ये रिक्वेस्ट करने कि सर साडा जोड़ा ये पुल का काम जल्दी तो जल्दी होना चाहिए। पुल SDM माफी सर, कितनी परेशानियां दी सर। SDM तो सही सोचा जाए तो कहते उनके कर्म च सारा कुछ, मगर उन्होंने कुछ नहीं आज तक किया, SDM साहब ने भी कुछ नहीं किया। देखो जी इस पुल नु टुटे कोई 4-5 साल हो गए ना, तो बड़ी बार मतलब अभी धरना भी दिता है, रोड ब्लॉक भी किया है, लेकिन फिर भी हूँ बरसात आ गई है, तो बरसात ज पुल बरसात तो पहला ना बनया तो सानू बड़ी परेशानी आनी है। अं मतलब इतों घूम के बाया मीरा साहब तू हो गए, फिर सवारी जाना पैंता, जे इधरों जाइए इधरों सू जीवन नगर तू जाके सू जाना पैंता, तो यह भी अं चाहते भी ये बरसात तो पहला अगर बन जाए तो अं मतलब सू मतलब थोड़ी राहत आवे इस चीज़ की। सू बड़ी मतलब काम बड़ा स्लो लगा, बड़े चे बड़े दिन हो गए ना, कोई महीना हो गया इतने समान पिया दूजा शटरिंग शुटरिंग का लोहे का, तो वह इस तरह ही वो उपर पानी आ गया, फिर मतलब पिछले ही बारिश हुई 3-4 दिन पहला, तो वो चक्कर जो हूँ पानी मतलब जो ना बनया तो फिर तो पूरा जो टम्परेरी बनाया पुल वह भी टुट जाना, मतलब अज बारिश आ गई तो अज ही टुट जाना है पुल। पुल की ना होने की वजह ने कोई हादसा भी होते हादसा, एक अपना गाड़ीगढ़ का मुंडा एक डैथ हो गई है उन्होंने। न्यूज ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।